तो वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में बजट पेश कर रहे हैं, उन्होंने किसानों के हित की बात करी है, साथ ही आलू टमाटर की बढ़ती कीमतों को लेकर 500 करोड़ देने का ऐलान किया है। किसानों के कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ देगी मोदी सरकार। सब्जियों और फलों का रिकॉर्ड उत्पादन, 1400 करोड़ कृषि संपदा योजना के लिए आवंटित। 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए जाएंगे, साथ ही दिल्ली NCR में प्रदूषण हटाने के लिए नई स्कीम। डिजिटल पढ़ाई की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाएगी मोदी सरकार, साथ ही अगले वित्त वर्ष में 2 करोड़ शौचालय बनाएगी सरकार। 4 करोड़ गरीब घरों को सौभाग्य योजना से मुफ्त बिजली मिलेगी। हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए 1200 करोड़ का ऐलान, साथ ही 10 करोड़ परिवारों के लिए हेल्थ बीमा। आयुष्मान प्रोग्राम के तहत 2 स्वास्थ्य योजनाओं का ऐलान। वडोदरा में विशिष्ट रेलवे यूनिवर्सिटी की होगी स्थापना।